उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत मुश्किलों में गिर गए हैं। यूबीटी के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी के खिलाफ लिखे उनके लेख ने उनको मुश्किलों में डाल दिया है। उन पर यवतमाल जिले के उमेरखेड़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। सामना में 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लेख लिखा गया था। इस लेख के खिलाफ बीजेपी के यवतमाल के संयोजक नितिन भूतड़ा की शिकायत के आधार पर धारा 153A, 505(2) और 124A के तहत मामला दर्ज किया गया है। भूतड़ा ने आरोप लगाया है कि इस लेख में उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने रविवार को कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा कि अगर गांधी परिवार के नजदीकी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुकूल राजनीति करते रहेंगे तो देश की सबसे पुरानी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित साप्ताहिक स्तंभ रोक ठोक में राउत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम संबंधी आशंका को उठाने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में जब मतपत्र डाक मतपत्र की गिनती हो रही थी तब कांग्रेस 199 सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम से गिनती शुरू होने के साथ ही परिस्थिति बदल गई। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा में चुनाव जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस तेलंगाना में विजयी रही। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए गए थे। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ का संदर्भ देते हुए राउत ने कहा, अगर गांधी परिवार के आसपास के लोग मोदी तथा शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अनुकूल राजनीति करेंगे तो 2024 में और खतरा होगा। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि मोदी का जादू 3 राज्यों में काम आया लेकिन यह तेलंगाना में नहीं चला। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि यह भ्रम है कि कांग्रेस मोदी को हरा नहीं सकती। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव का संदर्भ देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को हराया है। राउत ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री क्रमशः अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने मुकाबला किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई।